जूतो तन से हुआ सर कुराना भी बाकी है। जूतो तन से मगाना भी बाकी है। और एक शेर पढ़ता हूँ, ये जो मैंने शेर पढ़ा आपकी दुआ से करबला शरीफ की हाजरी हुई और उस जगह की मैंने ज़ियारत किया जहाँ पर इमाम पाक का आखिरी सजदा हुआ है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ आज भी वहाँ से रोशनी फूटती है। एक मतलब और अलग एक वो कलाम मुझे मिल जाए तो आज मैं मुकम्मल पढ़ने के मूड में हूँ। जो माँ के ताल्लुक से मैंने सिर्फ एक मतला एक शेर एक मतला एक शेर कई जगहों पे मैंने पढ़ा है, उस कलाम को मैंने आज तक मुकम्मल नहीं किया है, लेकिन आज मैं उस कलाम को मुकम्मल पढ़ने के मूड में हूँ। लेकिन अलग एक वो मुझे मिल जाए, मैंने निकाला तो था लेकिन फिर किधर गायब हो गया पता नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ हमारे मकबूल भाई ने कहा माँ के ताल्लुक से पढ़ दीजिए, मेरी कोशिश होगी और नहीं तो एक मतला एक शेर ही सही मैं उसे इस्तेमाल कर लूंगा। और ये एक दो जगह मैंने इसे पढ़ दिया है।
अल्लाह करे कि वो मुझे हाथ लग जाए, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। एक मतला और एक शेर, अब से हमको बुलाया कीजिए तो पढ़वाया न कीजिए, चूंकि मैं बैठ करके ही ठीक लगता हूँ, और पढ़वाया कीजिए तो पहले पढ़वा दिया कीजिए। इतना बैठा बैठा करके रखेंगे तो जो लोग मुझे सुनने आए हैं वो क्या क्या कह रहे थे वो तो हम ही जान रहे हैं, और बाद में उन लोग हिसाब लेगा हमसे। तो मैं एक मतलब पढ़ लेता हूँ। अरे जमील भाई, काहे जा रहे हैं, लोग बाकी हैं, और आप अब दो चार शेर आप पढ़ दीजिएगा, उसके बाद चल जाइएगा। अरे है मुनासिब, काहे नहीं है मुनासिब, बैठिए तो सही। मुनासिब नहीं है तो आप गैर मुनासिब को भी मुनासिब बना लेते हैं। मौलाना फरीदुल कादरी अमजदी के हवाले से एक मतला एक शेर पढ़ देता हूँ, और मकबूल भाई सुनना। पैसा खत्म हो गया? हाँ पैसा खत्म हो गया, क्या हुआ जी? है ना दोस्ती सलामत है कि नहीं? इल्मो अमल के पाठ पढ़ा दी है मेरी अमल की पाठ पढ़ाती है मेरी माँ। इल्मो अमल के पाठ पढ़ाती है मेरी माँ, जीना है किस तरह ये बताती है मेरी माँ। माँ ओ मेरी आलिम बना दे बेटे को करती है ये दुआ। माशाल्लाह। कारी बना दे बेटे को करती है ये दुआ, हाफिज बना दे बेटे को करती है ये दुआ, शायर बना दे बेटे को करती है ये दुआ, बना दे बेटे को करती है ये दुआ, जब रब की बारगाह में जाती है मेरी माँ। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ।